second phase of the UP elections are underway, and we are reporting from the district of Bareilly, where there are 9 constituencies present. We're being joined by Rajesh Agarwal himself, who has been the cabinet minister for the longest time in the state as well. Sir, bataiye, aap is samay apna vote dalne is samay ja rahe hain. क्या क्या मुद्दे आपको लगता है जनता के दिमाग में है? एक काफी सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बातें हम सुनने को मिल रही है, एजुकेशन की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो क्या आप समझते हैं लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं? देखिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अगर मुद्दे नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? मुद्दे हमेशा बदलते हैं। शिक्षा हमेशा से भारतवर्ष के अंदर एक प्रश्नावली बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन कितना विकास शिक्षा में हुआ है, कितने विश्वविद्यालय बने हैं, कितना जो है वो कार्य जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं तो संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये सामने है। हमारी विश्वसनीयता ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। मैंने मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब तक गहना पहनकर जो है वो कोई स्त्री घर से नहीं निकली तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। हमारी विश्वसनीयता हमारी गहना है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में विश्व के अंदर भारतवर्ष को सबसे ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया है। देखिए, आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी ने एक स्लोगन नहीं दिया है, संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है, MSME। जब तक MSME जो है वो गांव में फिर से चक्कियां नहीं लगेंगी और वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का ही विशेषता थी, आदरणीय मोदी जी का कारण से जुड़े हुए ये सब कुछ संभव हुआ है। प्रगति कर रहे हैं, अभी हम लोगों को प्रारंभ हुआ है। 60 वर्ष 70 वर्ष जो है कांग्रेस ने ऐसे ही निकाल दिए इस देश के साथ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। आज बहुत तेजी के साथ हम लोग विकास की ओर आगे। आप इस समय वोट डालने जा रहे हैं, तो यू कैन सी दैट द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, इनफैक्ट द कैबिनेट मिनिस्टर हु हैज बीन देयर फॉर द यूपी गवर्नमेंट एज वेल एंड ऑल्सो इन द नेशनल कैबिनेट एज वेल, ही इज इनफैक्ट गोइंग टू कास्ट हिज वोट। बट येस, अनदर कॉन्ट्रोवर्सी दैट हैज इरप्टेड विद रिस्पेक्ट टू द पुलवामा incident, and where there are several opposition leaders who have now questioned this entire issue as well, where the BJP lashing out and saying that this is a basic, that people need to stand by their army, people need to stand by the martyrs, people need to stand by our defense forces, and that is the reaction that we're getting on the ground here in the poll bound state of UP as well. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic.